शिव गोपाल जी जो है नया पोशाक पहने हैं, देख सकते हैं विंटर का कपड़ा है, जिया की मम्मी अपने हाथ से बुनी थी। दिल का लाज रखना है, ये कोई नहीं कहे कि इसका बेटा उदंड है या कुछ भी है। बुढ़ापा में साथ देना भी तो हम स्वयं फोकस करने वाले हैं, असली समझदारी तो बहू को देना है, ये खतरा सबको बहू से ही रहता है। चलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी जो है जिया के पापा जो है निकल रहे हैं गांव की तरफ। हमने कोशिश की कि वह रुक जाए लेकिन वह कहे कि नहीं, देखिए जरूरी है वहां पर, और सिचुएशन को समझ भी सकते हैं, वहां दादा दादी की जो है तबीयत खराब रहती है और मम्मी जो है अकेले पड़ जाती है फिर, और अकेले दादा दादी को देखना और साथ में बउआ को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पापा को थोड़ा निकलना पड़ेगा। तो कुछ ही देर में निकलेंगे तो उनको छोड़ने जाएंगे। क्रियांश जो है फिलहाल चले गया है पापा के साथ, नीचे चला गया है वो अपने दादा दादी के साथ और अपने नाना जी के साथ, तीनों के साथ खूब खेल रहा है। एक अच्छी खबर यह है कि बाहर जो है धूप आ गई और सुबह 8 बजे करीब धूप, अब मतलब ठंड के जाने का समय हो गया है। ठंड तो रहेगा ही लेकिन जिस तरह का ठंड था पिछले कुछ दिनों से उस तरह का ठंड नहीं रहने वाला। यहाँ देख सकते हैं पापा आपका बर्ड्स ले लिया क्रियांश। ओए होए होए, पापा ले लिया, फिर से ले लिया बर्ड्स, ले लिया, ये दो इधर, इधर दे दो। हाँ ले लिया। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, पापा आपका बर्ड्स ले लिया क्रियांश। कोई बात नहीं, लेने दो, खेलने दो। ये देखो आज क्रियांश की पहली मकर संक्रांति है। बोलो है ना, बोलो आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। आज जो है ना मैं बहुत कुछ खाऊंगा, नीनी और ये क्रियांश को, लेकिन सोने का तो कोई नाम नहीं है। क्रियांश के नाना जी चले गए हैं और क्रियांश जो है यहाँ पर अभी फिलहाल जो है घूम रहा है, और अभी कुछ देर पहले था दादी के साथ छत पर, दादी को जो है मटर छिलना था लेकिन क्रियांश जो छिलने नहीं दिया, इतनी बदमाशी किया, तो दादी लेकर के आ गई है इसको नीचे, तो हम इसको पकड़ रहे हैं। चलना है छत पे, चलेगा छत पे फिर से क्या, क्या मोबाइल लेना है तुमको, तुम जब भी मोबाइल देखता है मोबाइल की तरफ झपटने लगता है, आखिर क्या बात है। मटर की तरफ मटर छिला जा रहा है, इसको मटर लेना है। प्यास को आ गई है नींद, तो जिया इसको सुला रही है। सो जा मेरे साथ, सोने से पहले बोलता भी है। क्रियांश को जो है सुला दिया गया है और एकदम पूरा बाउंड्री दे दिया गया है आसपास, ताकि क्रियांश को जो कहीं चोट ना लगे। तो हमारा नहाना हो गया जी, और नहा करके हो गए हैं तैयार, और उधर जो है पापा पूजा कर रहे हैं, तो जब पूजा कर लेंगे उसके बाद जो है, उसके बाद जो है तिल और चावल चढ़ाया जाएगा। लड्डू गोपाल जी जो है नया पोशाक पहने हैं, देख सकते हैं विंटर का कपड़ा है, जिया की मम्मी अपने हाथ से बुनी थी और काफी अच्छा डिजाइन है। प्रियांश के लिए भेजी तो लड्डू गोपाल के लिए। अच्छा, तो दोनों के लिए भेज दी। हाँ, प्रियांश के लिए एक, लड्डू गोपाल के लिए। अभी तक सोया हुआ था और क्रियांश जो है मेरे छींकने से उठ गया है, मेरे छींकने की आवाज़ से, और क्रियांश वही क्रियांश, और हम लोग इस उम्मीद में थे कि क्रियांश अभी जो है थोड़ा अच्छा खासा देर सोएगा और तब तक हम लोग अपना जो है काम निपटा लेंगे, लेकिन अब जो है क्रियांश उठ ही गया है और काम कैसे होगा
देखा जाएगा। तो हम लोग को जाना था जी मार्केट, मार्केट कैसे जाएंगे हम लोगों को भी पता नहीं। और जिया पहनी हुई है चूड़ा और क्रियांश जो है इसी का लटकन खींचना चाह रहा है, इंस्टाग्राम से हमको मिला हुआ है। हाँ, तो देख सकते हैं जी कितना कुछ वीडियो भी शूट करेंगे। हाँ, हमारा बेटा पहले ही उठ के बैठ चुका है। हाय कौन है ये, कौन है ये कौन है ये कौन है ये अपने चाचा चाची का कपड़ा पहने हुए, कौन है ये, कौन है, हाँ कौन है ये बताओ क्रियांश। बा बा है तो बाहर है। क्रियांश अब मेरा बटन लेगा, अब इसको नया कुछ मिल गया है शिकार। बाल ठीक कर लो, बाल ठीक कर लो। ये देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे से क्यूट से सब्सक्राइबर आए हुए, क्रियांश से मिल ले। कहाँ घर हुआ बाबू आपका? तेजा टुला से आई हो? ये बगल आई थी ना अभी, हम इसको छत पे देख रहे थे खेल रही थी ना। ये तो हमारी प्यारी सी है, इधर रहती है हमारे जस्ट घर के बगल में, जो क्रियांश से डेली बात होता है इसका, है ना। क्रियांश डेली बात करते हो ना दीदी से? देखो जवाब दे रहा हूँ, दीदी से बात करते हो? हाँ जरूर। इसके भी भाई का नाम क्रिनाल है। क्रिनाल है, ओके। कितना बड़ा है वो? एक साल का है। एक साल का, अच्छा। ओके। ये 7 मंथ का है। हाँ, डीजी से बात करो। हाँ, जाएगा ये देखो। डीजी के पास गया है? खुला हुआ था क्या? हाँ। जय जय कर लो क्या? ठीक है ना, ये लग रहा है ना कि जान रहा है, इसको तो जानता ही है। पड़ोसी भी है। हाँ। इसकी दीदी भी है। हाँ। वो भी दीदी है। हाँ। राहुल दोनों दीदी है, दोनों इसकी दीदी है, हमारी की पोती है, राहुल की बेटी थी। बिल्कुल बिल्कुल लग ली है, बहुत प्यारी। बोलो दीदी, दीदी बोलो। क्या पापा है? हो गया जी समाप्त, और अब बारी है प्रसाद लेने की। तो सारे प्रसाद को जिया पहले रख रही है एक प्लेट में, और उसके बाद जो है बांटा जाएगा इसको। तुम भी दे दो, बस तिल का लाज रखना है। कोई नहीं कहे कि इसका बेटा उदंड है या कुछ भी है, बुढ़ापा में साथ देना भी तो हम स्वयं फोकस करने वाले हैं। मेरा छोटा बेटा या और मेरा बड़ा बेटा, जो भी मेरे परिवार खानदान का जितना भी मेरा बेटा है, चाहे जेठ का बेटा हो या मेरा बेटा या मेरा बहन बेटा हो या मेरी बेटी हो, सबों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो जहाँ रहे वहीं स्वस्थ रहे। सार के समस्त पुत्र कल्याण की कामना हमेशा ईश्वर के चरण में समर्पित करती हूँ। सबका बेटा सब माँ बाप का मनोरथ अरमान पूरा करे। असली समझदारी तो बहू को देना है, खतरा सबको बहुत से ही रहता है। चलो इनका लाभ रखना है, बेटा तुम्हारा रखेगा, सहयोग तुम देगी तभी होगा। खाना लग चुका है, खाने में दही चूरा और यह है गजक जिसको हम लोग तिलकुट बोलते हैं, और साथ में सब्जी भी है, आलू गोभी और मटर की सब्जी।
जिसके कारण जो बहुत अच्छा लगता है, जब मन मीठा मीठा हो जाता है तो थोड़ा सा सब्जी डाल करके खा लेते हैं, एकदम टेस्ट में आनंद आ जाता है।